नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल ओपन फॉर यू पर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के जरिए मैं आपके साथ बाइबल के अनमोल वचन शेयर करने वाला हूँ जो आपके जीवन को रूपांतरित कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, कुछ ही दिन पहले ही मैंने बाइबल ग्रंथ को पढ़ना शुरू किया हुआ है और श्रीमद् भगवद गीता की तरह इस किताब से भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। इसीलिए आज मैंने सोचा कि क्यों ना आपके भी उस ज्ञान को बांटा जाए। इसीलिए आज हम आपके साथ 50 जोड़ बाइबल के अनमोल वचन शेयर करने वाले हैं जो आपके जीवन को रूपांतरित कर सकते हैं। तो बिना समय को गंवाए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है, परंतु मूर्ख पुत्र के कारण माता उदास रहती हैं। दो, जो लोग अपने काम में ढिलाई करते हैं वे लोग निर्धन हो जाते हैं, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। तीन, जो बेटा धूप काल में बटोरता है वह बुद्धि से काम करने वाला है, परंतु जो बेटा कटनी के समय भी भारी नींद में पड़ा रहता है वह लज्जा का कारण होता है। चार, जहां बहुत बातें होती है वहां पर अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वह अपने बुद्धि से काम करता है। पांच, अगर आप परमेश्वर से जिद करके मांगेंगे तो वो आपको जरूर देंगे जो आप चाहते हैं। छह, जो तुम्हें सौंप दें उनको तुम आशीष दो, और जो तुम्हारा अपमान करें उनके लिए तुम प्रार्थना करो। सात, परमपिता परमेश्वर आपके जीवन में एक नया द्वार खोल रहा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता है। आठ, प्रेम अनेक पापों को ढाप देता है। नौ, यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता जरूर है। दस, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। ग्यारह, जो खराई से चलता है वह निडर होकर चलता है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता है उसकी चाल प्रकट हो जाती है। बारह, जो शिक्षा पर चलता है वो जीवन के मार्ग पर है, परंतु जो शिक्षा से मुंह मोड़ता है वो आजीवन भटकता रहता है। तेरह, बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रेम से सब अपराध थप जाते हैं। चौदह, बुद्धिमान लोग ज्ञान को रख छोड़ते हैं, परंतु मूर्ख के बोलने से विनाश निकट आता है। पंद्रह, धनी का धन उसका ध्रुव नगर है, परंतु कंगाल की निर्धनता उसके विनाश का कारण है। सोलह, सीधे लोग अपनी खराई से अगुवाई पाते हैं, परंतु विश्वासघाती लोग अपने कपट से नष्ट होते हैं। सत्रह, जो लतुराई करता फिरता है वह भेद प्रकट करता है, परंतु विश्वास योग्य मनुष्य बात को छिपा रखता है। अठारह, जहां बुद्धि की युक्ति नहीं वहां प्रजा विपत्ति में पड़ती है। उन्नीस, जब दृष्ट मरता है तब उसकी आशा टूट जाती है, परंतु अधर्मी की आशा व्यर्थ होती है। बीस, जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता है वह निर्बुद्धि है। इक्कीस, कृपालु मनुष्य अपना ही भला करता है, परंतु जो क्रूर है वह अपनी ही देह को दुख देता है। 22. दुष्ट मिथ्या कमाई कमाता है, परंतु जो धर्म का बीज बोता है उसको निश्चय फल मिलता है। 23. जो सुंदर स्त्री विवेक नहीं रखती है वह थूथून में सोने की नथ को पहने हुए सुअर के समान है। 24. धर्मियों की लालसा केवल भलाई की होती है, परंतु दुष्टों की आशा का फल क्रोध ही होता है। 25. जो धर्म में दृढ़ रहता है वह जीवन पाता है, परंतु जो बुराई का पीछा करता है वह मृत्यु का कौर हो जाता है। 26. जो सच बोलता है वह धर्म प्रकट करता है, परंतु जो झूठी साक्षी देता है वह छल प्रकट करता है। 27. सच्चाई सदा बने रहेगी, परंतु झूठ पल भर का ही होता है। 28. बुद्धिमान पुत्र पिता की शिक्षा सुनता है, परंतु ठट्ठा करने करने वाला घुरकी को भी नहीं सुनता। 29. सज्जन लोग अपनी बातों के कारण उत्तम वस्तु खाने पाता है, परंतु विश्वासघाती लोगों का पेट उपद्रव से भरता है। 30. जो अपनी मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। 31. बुद्धिमान लोगों की संगति कर तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा।
32, जो अपने बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है, परंतु जो उससे प्रेम रखता है वह यज्ञ से उसको शिक्षा देता है। 33, जिसका मन ईश्वर की ओर से हट जाता है वह अपनी चाल चलन का फल भोगता है, परंतु भला मनुष्य आप ही आप संतुष्ट होता है। 34, बुद्धिमान बुराई से डरकर दूर हटता है, परंतु मूर्ख भी होकर निडर रहता है। 35, निर्धन का पड़ोसी भी उससे घृणा करता है, परंतु धनी के बहुतेरे प्रेमी होते हैं। 36, परिश्रम से सदा लाभ होता है, परंतु बकवाद करने से केवल घटी होती है। 37, कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है, परंतु कटुवचन से क्रोध भड़क जाता है। 38, शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन का जलने से हड्डियां भी जल जाती हैं। 39, मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है, परंतु मन के दुख से आत्मा निराश हो जाती है। 40, समझने वाले का मन ज्ञान की खोज में रहता है, परंतु मूर्ख लोग मूर्ता से पेट भरते हैं। 41, दुखियारे के सब दिन दुख भरे रहते हैं, परंतु जिसका मन प्रसन्न रहता है वह मानो नित्य भोज में जाता है। 42, प्रेम वाले घर में साग पात का भोजन बैर वाले घर में पले हुए बैल का मांस खाने से उत्तम है। 43, टेढ़ा मनुष्य बहुत झगड़े को उठाता है और कानाफूसी करने वाला परम मित्रों में भी फुटकरा देता है। 44, जो मूर्ख को जन्म देता है वह उससे दुख ही पाता है और मूर्ख के पिता को कभी आनंद नहीं होता है। 45, नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। 46, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे सही से काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगता है। 47, मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वो तृप्त होता है। 48, आलसी मनुष्य शीत के कारण हल नहीं जोतता, इसलिए कटनी के समय वह भीख मांगता फिरता है और कुछ नहीं पाता है। 49, चोरी छिपे की रोटी मनुष्य को मीठी तो लगती है, परंतु बाद में उसका मुंह कंकड़ों से भर जाता है। 50, पाप से लदे हुए मनुष्य का मार्ग बहुत ही टेढ़ा होता है, परंतु जो पवित्र है उसका कर्म सीधा होता है। दोस्तों, ये थे वो बाइबल के अनमोल वचन हिंदी में। आप सभी को ये सभी वचन कैसे लगे और आपको इन सभी नीति वचनों से क्या क्या सीखने को मिला, ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही मोटिवेशनल बाइबल वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिए। दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि भविष्य में जब इस चैनल पर कोई भी नया वीडियो पब्लिश या कोई भी अपडेट होगा तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, आज के इस मोटिवेशनल बाइबल वीडियो में सिर्फ इतना। दोस्तों, हम आपसे फिर मिलेंगे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग और सेल्फ हेल्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप जहाँ भी रहिए खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। आपका बहुमूल्य समय हमें देने के लिए दिल से धन्यवाद।